और एक बड़ी खबर, अब आपको मैसूर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। मैसूर में पानी में डूब रहे हाथी का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। 5 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को पानी से बाहर निकाला गया। दरअसल मछुआरे के लगाए गए जाल में ये हाथी फंस गया था। 5 घंटे बाद किस तरह से इस हाथी को सुरक्षित बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें आपके सामने। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं मैसूर में किस तरह से ये हाथी पानी के अंदर फंस गया, डूबने लगा, और इसको बचाने के लिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, और 5 घंटे तक जो राहत और बचाव कर्मी हैं वो इस काम में लगे रहे, और उसके बाद सुरक्षित इस हाथी को बाहर निकाल लिया गया। ये बड़ी राहत की बात रही। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से ये हाथी पानी में डूबता जा रहा था, और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इसे बचा लिया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।